हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट। इसमें बेसिकली आज हम सॉलिड के अंदर जाएंगे, हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स के टाइप जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमोफस सॉलिड्स, जो कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली हमारा जो फोकस होगा यहाँ पे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर बेस्ड होगा। पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज और फर्दर उसका फिर टाइप क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे सॉलिड स्टेट को उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम एमोफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एमोफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। बेसिकली हमने पिछले चैप्टर्स में और अपनी क्लास 11th में लिक्विड्स को भी डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा गैसेस को डिस्कस किया है। हमें पता है कि जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इजीली फ्लो करें, ठीक है। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। तो जिन लिक्विड्स के पास या जिन गैसेस के पास, सिंपली हम कहें कि जिन सब्सटेंसेस के पास टेंडेंसी है कि वो इजीली फ्लो मूवमेंट को शो कर सकें, उसको हम कहेंगे फ्लूइड्स, ठीक है। बेसिकली फ्लूइड्स क्यों कहेंगे, वो फ्लो क्यों कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसमें, फ्री होते हैं, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे तो क्या होगा कि वो इजीली मूवमेंट हो पाएगा मॉलिक्यूल्स का। अगर इजी मूवमेंट है तो वो क्या करेंगे, वो फ्लो करेंगे, वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। पर जो हमारे सॉलिड्स हैं, अब सॉलिड्स के केस में क्या है कि वो फ्लूइड्स में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के अंदर, उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। जस्ट वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, जैसे ये हमारे सॉलिड के मान लो पार्टिकल्स हैं, तो ये अपनी जगह पे ही बस थोड़ा थोड़ा ऑस्किलेट करते रहेंगे, ऐसे इधर उधर इधर उधर, ऐसे इतना स्लाइट मूवमेंट होगा कि मतलब वो उसी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। वो यहाँ से मतलब इधर से इधर ट्रेवल नहीं कर सकते, बस अपनी पोजीशन पे इधर उधर हिलते रहेंगे। इस वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं, क्योंकि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते, सिर्फ अपनी जगह पे ऑस्किलेट करते रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, इसमें क्या आ जाती है, रिजिडिटी। काफी रिजिड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे ये रहेंगे तो इस वजह से इनका जो शेप है वो भी सेम ही रहता है। जैसे लिक्विड्स है वो फ्लो कर पाते हैं, स्मूथली फ्लो करते हैं, गैसेस इजिली फ्लो करती हैं, पर सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज हैं, इतने क्लोजली बाउंड हैं कि वो इजिली फ्लो नहीं कर पाते। तो हम एक बार यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कोई डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सॉलिड है उसमें क्या है, पार्टिकल्स आपस में इतने पास पास है कि मतलब उनके पास स्पेस ही नहीं है कि वो अपनी जगह को इधर से उधर जो है एक्सचेंज कर सके, मतलब तो ये अपनी जगह पे इधर उधर थोड़ा थोड़ा ऑस्किलेट जो है होते रहेंगे। लिक्विड के केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा जो है स्पेस है, ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इजिली वो हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनका जो मोशन है वो थोड़ा रैंडम है। अब जो गैसेस है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा स्पेस है कि वो इजिली मूव कर सकते हैं, इनका मोशन इतना ज्यादा रैंडम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह इजिली ये ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बोला, ये क्या है, हमारे फ्लूइड्स है, पर ये हमारे जो है सॉलिड्स है वो क्या है, वो रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा है पार्टिकल्स का सॉलिड के केसेस में, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, पर जो लिक्विड्स है उसमें रैंडम अरेंजमेंट है, और जो गैस है उसमें तो कंप्लीट रैंडम है, ठीक है। मूवमेंट क्या होती है पार्टिकल्स की, सॉलिड्स के केस में क्या करते हैं, वो एक ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते रहते हैं, लिक्विड में वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। गैस के केस में वो किसी भी डायरेक्शन में इजिली मूव कर जाएंगे, मतलब आपने कोई अगर कंटेनर लिया है, अगर वो इस शेप का है या कंटेनर इस शेप का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस होगी, यहाँ पे गैस होगी, वो क्या करेगी, पूरे कंटेनर को फिल करने की वो कोशिश करेगी। अगर आपका क्यूब है, इसके अंदर आपने कोई गैस ली है, ठीक है, या कोई राउंड कलर के कोई आपका स्ट्रक्चर है उसमें आपने गैस लिया, तो वो यहाँ पे वो राउंड की शेप ले लेगी, यहाँ पे वो क्यूब को पूरा फिल कर देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी जो गैस है वो सभी डायरेक्शन में इजिली मूव कर सकती है। तो इनका रीजन क्या है, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं,
तो वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर पा रहे, इसलिए इनका अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है और इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स जो है वो थोड़े पास पास है, तो इस वजह से क्या है वो फ्लो कर पाते हैं पर शेप भी ले पाते हैं जिस चीज में उनको डाला जाए, पर इनका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। और बात करें गैसेस की, तो इतने ज्यादा पार्टिकल दूर दूर है, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है कि ये हमारे पूरे जो फ्लास्क है, कुछ भी है हमारा कंटेनर, उसको प्रॉपर फिल कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी गैसेस हैं, ये क्या करती है, इनके पास टेंडेंसी होती है ये कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। तो ये हमारा डिस्कशन था जो हमने किया अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम आगे मूव करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सॉलिड स्टेट के। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉलिड्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से दो फैक्टर हैं, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी का मेन रोल क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करके रखती है, ठीक है। आप जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी का मतलब यहाँ से थोड़ा हीट से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब हमारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तो तब क्या होगा कि पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें कुछ कंडीशन हम लेते हैं, जैसे अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगी, तो पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत पास पास हो गए। अगर टेम्परेचर मेरा हाई है तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लेके जाएगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएंगे, वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि तो अब पार्टिकल्स आसपास है ही नहीं एक दूसरे के, उनके बीच में कोई फोर्स ज्यादा लग नहीं रहा, तो वो काफी दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, कैसे जो फैक्टर्स हैं वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को, ठीक है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो हमारे सॉलिड स्टेट है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, एक तो उनकी जो मास है वो डेफिनेट है, वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट है, और शेप भी जो है वो डेफिनेट है। जैसे आपका मोबाइल फोन, ठीक है, आपका टीवी, तो इनकी शेप क्या है वो सेम ही रहती है, कभी वो चेंज तो होती ही नहीं। ये तो नहीं है कि आपका जो रेक्टेंगुलर टीवी है वो एकदम से सर्कल में चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होता, इनकी जो शेप है वो सेम ही रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सॉलिड है, और जो सॉलिड्स होते हैं उनका मास भी जो है वो भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, और शेप भी डेफिनेट होती है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे सॉलिड्स हैं उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और जो फोर्सेज है वो कैसे होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो पार्टिकल्स क्या है वो भी क्या है, फिक्स पोजिशन है उनकी, वो अपनी ही जगह पे क्या करेंगे, ऑस्किलेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे सॉलिड्स, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब आप इसके ऊपर प्रेशर लगा लो कोई चेंज नहीं आने वाला, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, पर गैसेस को आप इजिली कंप्रेस कर सकते हो। और यही है कि जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विफाई करती हैं, ठीक है, थीके? तो इस वजह से वहां पे हमारा जो है कुछ गैसेस हम उसको इजिली लिक्विफाई कर लेते हैं, ठीक है। पर जो सॉलिड्स है उसको प्रेस करना, मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से हमारी ये सॉलिडिफाई, मतलब जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विफाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे सॉलिड स्टेट के, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि जब हमारी थर्मल एनर्जी जो है वो कम होगी तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, इसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास होंगे और एक फिक्स पोजीशन को वो ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, और फैक्टर्स जो सॉलिड स्टेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब आती है बात सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे जो सॉलिड है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकेंड इज एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो
हम एक बार इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर हम इनके जो डिफरेंसेस हैं हम उसको एक बार कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो ये है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, बेसिकली इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? क्रिस्टल्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गए, यहाँ पे क्रिस्टल्स हो गई है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है, ठीक है? अरेंजमेंट जो होगा पार्टिकल्स का वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होगा, ठीक है? जैसे ए बी ए बी ए बी, ठीक है? एक प्रॉपर ऑर्डर जो है देखो ऐसे ये फॉलो हो रहा है, ठीक है? तो इस ऑर्डर को ये फॉलो करते जाएंगे, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है? तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स का ऑर्डर होता है वो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, ठीक है? इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिपीट इटसेल्फ ओवर द एंटायर क्रिस्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब आप जब इस क्रिस्टल को स्टडी करोगे तो काफी दूर तक आपको ये सेम पैटर्न ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई और ऑर्डर आ जाएगा, एक सेम पैटर्न जो है वो काफी दूर तक जो है वो फॉलो होता रहेगा, मतलब एक प्रॉपर रेंज तक आप इसको इजिली देख पाओगे, ठीक है? मतलब ये पैटर्न जैसे ए बी ए बी ए बी है, तो यही पैटर्न जो है वो फॉलो होता जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल हो गए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्स, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ठीक है? नेक्स्ट अब हमारा इसमें एमोफस सॉलिड्स। तो जो हमारे एमोफस सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी शेप जो है वो इरेगुलर है, यहाँ पे बेसिकली इनका जो ऑर्डर है वो रेगुलर नहीं है। जैसे हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे वहां पे क्या था, एक प्रॉपर रेगुलर ऑर्डर को वो फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी हैपजर्ड ऑर्डर यहाँ पे चलेगा, ठीक है? इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसमें ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे मान लो ए बी ए बी ए ए बी ए, इस तरीके का ऑर्डर आएगा, मतलब आपको जो ए बी ए का जो ऑर्डर है वो आपको कुछ ही एक डिस्टेंस तक दिखेगा, फिर ये ऑर्डर जो है हमारा चला गया, ठीक है? जैसे ए बी ए, अब ये कुछ और ही डिफरेंट ये आ गया, ठीक है? तो प्रॉपर एक यहाँ पे ऑर्डर जो है वो फॉलो ये नहीं करते। तो इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर विच मीन्स रेगुलर एंड पेरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑफ अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस तक ही, कुछ रेंज तक ही जो है इसका एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, ठीक है? इसके एग्जाम्पल हो गए क्वार्ट्स, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स। जो क्वार्ट्स है दैट इज डिफरेंट, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पर अगर बात करें क्वार्ट्स ग्लास की तो वो हमारा एमोफस सॉलिड, ठीक है? तो ये हमारे एमोफस सॉलिड्स थे और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिलता है, एक उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब काफी लंबे डिस्टेंस तक वो एक ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पर जो एमोफस सॉलिड्स है वहां पे इनके अंदर क्या है, पार्टिकल्स के अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता, ठीक है? और ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है? अब हम एक बार आपको इसकी पिक्चर दिखा देते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं। ये है जैसे क्वार्ट्स और ये है क्वार्ट्स ग्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वार्ट्स है हमारा उसमें आपको एक प्रॉपर बहुत सुंदर सा ही लग रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न है वो अच्छे से रिपीट हो रहा है, आपको यहाँ पे हेक्सागन जो है वो ही बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? और ये रिपीट हो रहा है। और ऐसे अगर इस पिक्चर को हमने मतलब आगे और देखें, अगर इतना ही ये पिक्चर है तो इसका फर्दर पिक्चर होती तो वो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखता जाता, ठीक है? पर अगर यहाँ पे आप देखो क्वार्ट्ज ग्लास, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना हैपजार्ड सा है, कोई ढंग का ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये रैंडम सा इसका अरेंजमेंट है। तो ये है हमारा क्वार्ट्ज ग्लास जो कि एमोफस है, और ये है हमारा क्वार्ट्ज जो कि क्रिस्टलाइन है, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फर्दर इसके डिफरेंसेस को, कि अब मेन डिफरेंस क्या है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सुपर सॉलिड्स की और सुपर कूल्ड लिक्विड्स की। कुछ हमारे जो एमोफस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड की तरह उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इजिली फ्लो कर जाए। मतलब हमें पता है कि जो लिक्विड्स है उनके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, ठीक है? ऐसे ही हमारे जो कुछ एमोफस सॉलिड्स हैं उनके पास भी प्रॉपर्टी होती है कि वो लिक्विड्स की तरह फ्लो करें, इसलिए इनको हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं।
सूडो का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअल में ये सॉलिड्स नहीं है पर इट बिहेव्स लाइक, मतलब ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम सूडो सॉलिड्स कह रहे हैं, या फिर इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। मतलब कोई लिक्विड है तो उसको बहुत ज्यादा कूल कर दिया गया है, तो इसलिए इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहेंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉलिड विच लूजेस शेप्स ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट एंड इजिली डिस्टॉर्टेड बाई इवन माइल्ड डिस्टॉर्शन फोर्सेस आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स, ठीक है। तो वो सॉलिड जो इजिली फ्लो कर सके, ठीक है, और डिस्टोर्ट हो जाए बाय माइल्ड डिस्टोर्शन फोर्सेस, मतलब हल्का सा आपने उसको छेड़खानी की उसके साथ तो वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, उसको कहेंगे हम सूडो सॉलिड्स, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं सूडो सॉलिड्स का, ग्लास। जैसे आपने कभी अपनी विंडोज को देखा हो तो जब आप शुरू शुरू में ग्लास लगवाते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको क्या दिखेगा कि जो ग्लास है जैसे उसके क्या होते हैं कि यहाँ पे जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही प्रॉपर्टी है कि ये सूडो सॉलिड है, इसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ये थिन हो जाता है और नीचे से यहाँ से ये थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके ग्लास होता है वो एग्जाम्पल है हमारे सूडो सॉलिड्स की, और ग्लास एक्चुअल में क्या होता है, हमारा एमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, प्रॉपर शेप होती है। एमोर्फस सॉलिड्स की कोई शेप नहीं होती, दे आर इरेगुलर, ठीक है। दे मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब मान लो कि अगर आपका कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो मेल्ट करता है प्रॉपर टेम्परेचर पे, लेट इट बी अराउंड, हम इसको ले लेते हैं, मान लो वो मेल्ट कर रहा है अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, अगर वो 500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रहा है तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब जब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम ले लें कि ये 1000 डिग्री सेल्सियस पे पूरा अपना सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो जाता है, तो क्या होगा कि ये 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये सीधा यहाँ से यहाँ जाएगा, बीच में कोई एक ऐसी जगह नहीं आएगी कि जहाँ पे इसकी जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है। पर जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एक टेम्परेचर आएगा, फिर दूसरा आएगा, उस पर इसकी कुछ और शेप हो जाएगी, फिर थर्ड टेम्परेचर, फिर फोर्थ टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे क्या करता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इसकी शेप आती है और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं अब उसमें क्या है, उसमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो इसलिए जब उसको आप किसी शार्प टूल से कट करते हो दो पीसेस में, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जो नया सरफेस मिलेगा वो क्या होगा, प्लेन होगा और वो बहुत स्मूथ होगा। पर जब हम बात करते हैं इसकी एमोर्फस सॉलिड की तो फिर से जो आपको सर्फेस मिलता है वो कैसा होता है, थोड़ा इरेगुलर सा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं उनकी हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। अब क्या है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि जो हमारे अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करो तो वो आपको सेम वैल्यू दे डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई एक प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है कि आप इसको कहीं से भी मेजर कर लो, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ले लो, ठीक है। तो आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है एमोर्फस सॉलिड्स में किसी भी जगह से मेजर कर लो तो वो क्या होगा, आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है। पर जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मान लो किसी भी आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखोगे तो क्या होगा, बेसिकली एक जगह से देखोगे कोई और वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इस जगह से देखोगे कोई और आएगी, इस जगह से देखोगे तो कोई और वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लो ये हमारा पैटर्न है कुछ,
ठीक है, जैसे एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे, जैसे ये, ठीक है, सेम पैटर्न जो है यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम मान लेते हैं कि एक बार हम इस डायरेक्शन में गए, ठीक है, और एक बार हम इस डायरेक्शन में गए। अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपको एक यहाँ पे आप जब जाओगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी डिफरेंट आएगी। जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रही है, एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। और अगर यही हम बात करें एमोफस सॉलिड्स की, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे एमोफस सॉलिड्स अगर हो गए, मान लो यहाँ पे है, यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ आ गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, क्योंकि प्रॉपर कोई पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो होना नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में जाओ या आप इस डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, तो मोर और लेस वो एक ही तरीके की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें मिलेगी, पैटर्न जो है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको सेम पैटर्न जो है वो मिलता जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ए बी ए मिला तो कहीं एक और जगह पे ए बी ए ही मिलेगा। इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि जो एमोफस सॉलिड्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी की सेम वैल्यू दिखाते हैं इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये था हमारी एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। जो हमारे एमोफस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और जो हमारे अमोफस सॉलिड्स है हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो सोडा सॉलिड्स होते हैं या फिर वो सुपरकूल्ड लिक्विड्स होते हैं। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अमोफस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमारा जैसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो देखो आप जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो कुछ अलग ही है वैल्यू यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी की, अगर हम देखें इस डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ अलग मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनआइसोट्रॉपिक हो जाएंगे, मतलब वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो अगर ये बी है तो बी ए बी ए बी ए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिर्फ हमें एक ही टाइप के क्रिस्टल मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये एनआइसोट्रॉपिक हो जाते हैं। पर हम जो बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड्स की, तो वहाँ हम ये मान के चलते हैं कि इनकी सेम ही, इनकी जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि एक छोटे छोटे डिस्टेंस पे इनका जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इस वजह से ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन दी क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स, ठीक है। जो हमारा एक स्पेशल नोट है यहाँ पे कि जो हमारे अमोफस सिलिकॉन होते हैं उसको हम यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमारे जो अमोफस सॉलिड्स हैं उसकी एक एप्लीकेशन हो गई कि जो हमारे अमोफस सिलिकॉन है उसका यूज हम करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द अमोफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमने अभी स्टार्ट किया विद सॉलिड्स, हमने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, हमने देखा कि कैसे हमारे लिक्विड सॉलिड और गैसेस आपस में एक दूसरे से किस तरीके से वो डिफरेंशिएट हम उनको कर सके, ठीक है, कैसे वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्रिस्टलाइन एंड अमोफस सॉलिड्स को, फिर हमने उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। थैंक यू।